हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक कुछ हेल्दी पोहा रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्या करेंगे, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतने ही अभी हम पोहा को थोड़ी देर के लिए वाटर में रखेंगे। इसके वजह से जो हमारी पोहा रहती है जो बहुत ही सॉफ्ट एंड टेस्टी बनती है। तो देखिए अभी हम इसमें से जो हमारी जो पोहा है उसको अच्छे से निचोड़ के एक प्लेट में रखेंगे। अभी देखिए जो हमारी पोहा रेडी हो गए। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप एक कढ़ाई में ऑयल डालिए, 1 टेबलस्पून डालिए, थोड़ा गर्म होते ही इसमें ज़ीरा और राई डालिए, और आपके पास सूखी मिर्ची है तो डालिए। अभी मैंने फाइनली चॉप करके एक अनियन रखा था, उसको हम डाल के थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी देखिए फ्राई हो रही है तो हम उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं और थोड़ी सी ही जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है हमने। ये थोड़ा पकने के बाद हम इसमें आपको कितना चाहिए सॉल्ट उतना ही डाल के अच्छे से फ्राई कीजिए। मैंने देखिए इसको इसमें ग्रीन चिल्ली 6 और 2 टमाटो डाल के इसको फाइनली चॉप किया था। तो अगर आप ऐसे करके डालोगे जो हमारी ग्रीन चिल्ली है बहुत ही सॉफ्ट मीन्स छोटी छोटी पीसेस आएंगे, इसके वजह से बहुत ही अच्छी दिखती है डिश भी। अभी हम इसके अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए 2 मिनट तक हमने बहुत अच्छे से पकाया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गई है। तो अभी हम इसमें हमारी जो हमने जो अच्छे से सोख करके रखा हुआ था वो अभी हम इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से पकाएंगे। ये हमारी बहुत ही हेल्दी डिश होती है। आप इसे मॉर्निंग के टाइम में और नाइट के टाइम में एज ए हेल्दी स्नैक के जैसे खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी भी होती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होती है, और बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं बच्चे। अभी आप थोड़ा सा कोरिएंडर ऊपर से डाल के इसको अभी आप डिश आउट कर सकते हैं। ये हमारी 2 मिनट की रेसिपी रेडी हो गई है।